हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आइए नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर के यानी 11th इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत ये दूसरी पोएम है, द स्कॉलर। ये रॉबर्ट साउदी द्वारा लिखी हुई पोएम है। तो पोएम शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे भी उनको वीडियोस मिलते रहें, पहले पहले ही सबसे पहले उनको प्राप्त हों। तो चलो शुरुआत करते हैं सीधा इसकी पोएम से। टेक्स्ट क्या है इसका? तो एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड है पोएम का वो कुछ ऐसा है कि स्कॉलर, स्कॉलर मीन होता है विद्वान। अब जो कवि है वो अधिकतर अपना समय जो पास्ट के बीते हुए जो कवि हैं या जो लेखक वगैरह हो गए उनकी रचनाओं में, उनके साथ, उनकी किताबों के साथ वो अपना समय व्यतीत करता है। तो अपने आप को उनका बहुत ऋणी मानता है और लगभग उनके साथ ही, उनकी पुस्तकों में ही खोया रहता है। तो उसी के बारे में लेखक ने यहाँ वर्णन किया हुआ है। तो चलिए सीधा टेक्स्ट से शुरू करते हैं इसकी पोयम से। तो कवि कहता है, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। कहता है माई डेज, जो मेरे दिन हैं, जो मेरा समय है, अमंग द डेड यानी मृत लोगों, द डेड मीन होता है मृत लोगों। अब मृत लोग इधर हैं जो वो हैं आपके कवि, जो पीछे समय के जो कवि हो गए यानी जो रॉबर्ट साउदी के पहले के जो कवि हो गए उनके बारे में रॉबर्ट साउदी बोल रहे हैं कि माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, कि जो मेरा पास्ट मीन होता है व्यतीत होना, जो मेरा समय है, जो मेरे दिन हैं वो बीते हुए कवियों के साथ व्यतीत होते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अर्थात अब कहने का मतलब है बीते हुए कवियों से, कहने का मतलब है उनकी रचनाओं के साथ अर्थात उनकी पुस्तकों के साथ कवि अपना समय व्यतीत करता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अपने चारों ओर मैं देखता हूँ, बिहोल्ड मीन होता है देखना। वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, कैजुअल मीन होता है आकस्मिक, जैसी अचानक, जहां भी, वेयर एवर जहां कहीं, दीज कैजुअल मेरी अचानक ये आकस्मिक आंखें, कास्ट अर्थात कास्ट मीन होता है फेंकना, यानी जहां कहीं मेरी नजर जाती है, नजर फिकती है यानी नजर जाती है, तो द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो वहां भी मुझे अर्थात जहां भी मेरी नजर जाती है, मेरी नजर उन माइटी माइंड्स अर्थात उन माइटी मीन शक्तिशाली, माइंड्स मीन मन। अब माइटी माइंड्स कहने का मतलब उन महान कवियों की रचनाओं पर अर्थात उनकी किताबों पर ही मेरी नजर जाती है, उनको ही मैं अपने उन्हीं 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 की किताबों से, उन्हीं की रचनाओं से अपने आप को घिरा हुआ पाता हूँ, यानी जहाँ कहीं भी देखता हूँ उनकी ही किताबें मुझे दिखाई देती हैं। तो लेखक ये कहना चाह रहा है हर प्रकार से कि टोटली वो हर प्रकार से अपना पूरा समय उन्हीं के साथ व्यतीत करता है। आगे कभी कहते हैं, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। नेवर फेलिंग, फेल मीन होता है असफल होना, वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र अर्थात वे मेरे कभी धोखा ना देने वाले मित्र हैं। कौन? उनकी रचनाएं, उनकी किताबें, बुक्स, जो पास्ट के जो कवियों की जो किताबें हैं, मेरे कभी ना धोखा देने वाली मित्र हैं। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, विद होम जिनके साथ आई कन्वर्स, अर्थात कवि कह रहा है कि उन रचनाओं के साथ, उन पुस्तकों के साथ और जिन जिन कवियों की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के माध्यम से उन कवियों से दिन रात कन्वर्स करता हूँ, बातचीत करता हूँ, डे बाई डे दिनों दिन, अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि वो उनसे बातें भी करता है, अर्थात जो किताबें हैं वो पढ़कर उनसे अपना समय व्यतीत करता है, उनसे बातें करता है, कन्वर्स करता है। नेक्स्ट, विद देम आई टेक डिलाइट इन वील एंड सीक रिलीफ इन वो। लेखक कहता है विद देम, उनके साथ आई टेक डिलाइट इन वील, जब मैं प्रसन्न होता हूँ, वील मीन आनंद में होता हूँ, तो मैं आनंद लेता हूँ उनसे, यानी उनके, जब मैं, मेरा मन शांत होता है, आनंदित होता है, तो उन किताबों से आनंद लेता हूँ। एंड सीक, और खोजता हूँ रिलीफ इन वो, और जब मैं दुखी होता हूँ तो उन किताबों को पढ़ के कुछ राहत महसूस करता हूँ। रिलीफ मीन राहत, सीक मीन होता है खोजना, अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि जब वो आनंदित होता है तो उन उन किताबों को पढ़ के बड़ा आनंद, और आनंद उसका बढ़ जाता है और डिलाइट हो जाता है वो। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब कष्ट में होता है तो सीक रिलीफ, राहत खोजता है, अर्थात उन किताब उनकी किताबों को पढ़कर, उनकी बुक्स को पढ़कर, उनकी रचनाओं को पढ़कर वो आनंदित हो जाता है, अर्थात कहने का आनंदित होने का मतलब है वो कुछ राहत पाता है, रिलीफ पाता है। एंड वाइल, जबकि आई अंडरस्टैंड एंड फील,
लेखक कहता है कि मैं अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, फील करता हूँ। हाउ मच टू देम आई ओ, हाउ मच की कितना, टू देम मतलब उनका, आई ओ मीन होता ऋणी होना, मैं उनका कितना ऋणी हूँ। अर्थात लेखक चूंकि पूरा समय अपना उनकी किताबों में व्यतीत करता है तो उनकी रचनाओं का वो ऋणी हो गया, उनके उनसे जो उसने ज्ञान पाया, जो भी समझा उनकी रचनाओं से, उसका वो ऋणी हो गया। तो लेखक कहता है कि जब मैं सोचता हूँ, ये समझता हूँ, ये फील करता हूँ कि मैं कितना उनका ऋणी हूँ, तो माई चीक्स हैव ऑफन बीन विड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। तो माई चीक्स, मेरे गाल हैव ऑफन बीन, ऑफन बीन प्राय विड ड्यू, ड्यू मीन होता ओस, विड ड्यू मीन होता गीले हो जाना, अर्थात ओस से गीले हो जाना, लेकिन इधर ओस का मतलब नहीं है, विद टीयर्स अर्थात आंसू रूपी ओस से मेरे गाल गीले हो जाते हैं, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। थॉटफुल मीन होता है जो जब मैं उनके प्रति कृतज्ञता का विचार करता हूँ, थॉटफुल होता हूँ, तो मेरे आंसू निकल आते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ, मैं उनके प्रति कितना कृतज्ञ हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ, लेखक कहता है, तो मेरी आंखें आंसू आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेरे गाल गीले हो जाते हैं उन आंसू से। अर्थात लेखक इस प्रकार से उन पास्ट के कवियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, करता है। आगे देखें, माई थॉट्स आर विद द डेड, लेखक कहता है मेरे विचार जो है वो उन मरे हुए लोगों अर्थात उन मरे हुए कवियों के साथ है। विद देम उनके साथ आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, उनके साथ मैं रहा इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, पिछले कई साल में उनके साथ रहा, मैंने उनके साथ समय बिताए। अर्थात अब उनके साथ समय बिताने का मतलब है उनकी रचनाओं और उनकी बुक्स में समय बिताया। देयर वर्च्यूज लव, मैंने उनके गुणों को प्रेम किया। देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनके मैंने फॉल्ट्स यानी बुराई को कंडेम, यानी जो उनकी बुराइयां रहीं उनकी आलोचना की। अर्थात मैंने उनके गुणों की प्रशंसा की, वर्च्यूज को लव किया, एंड देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनकी जो भी गलतियां रहीं उनकी मैंने आलोचना की। मैं उनके साथ दोनों प्रकार से रहा, अच्छे में बुरे में भी, उनकी प्रशंसा भी की और उनका आलोचना भी की। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक मैंने हिस्सा लिया, देयर होप्स उनकी आशाओं में और उनके भयों में, भय और आशाओं में भी मैंने हिस्सा लिया। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, फ्रॉम देयर लेसन उनकी रचनाओं से, उनके लेसन से सीक मैंने खोजा और पाया, एंड फाइंड पाया इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, जब मैंने बड़े विनम्र मन से उनकी किताबों को पढ़ा तो मैंने वहाँ से जो कुछ खोजा, जो पाठ सीख लेनी चाहिए वो सीख, और जो मैंने इंस्ट्रक्शन पाना चाहा वो मैंने इंस्ट्रक्शन पाया। अर्थात हर प्रकार से लेखक ने उनके साथ रहा, उनकी आशाओं में, उनके भय से उनसे जुड़ा रहा, उनके गुणों की प्रशंसा की और उनके गलतियों की निंदा की। नेक्स्ट देखते हैं, माई होप्स आर विद द डेड, लेखक कहता है मेरी आशाएं उनके साथ हैं, उन मरे हुए कवियों के साथ, उन लेखकों के साथ। एनन शीघ्र ही माई प्लेस विद देम विल बी, शीघ्र ही लेखक कहता है कि मेरा जो स्थान है वो भी उनके साथ होगा। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि जब वो मरेगा, शीघ्र ही जब वो मर जाएगा तो उनके साथ वो भी मिल जाएगा, अर्थात वो भी उन मरे हुए लोगों में शामिल हो जाएगा, उन कवियों में शामिल हो जाएगा। एंड आई विद देम, और कवि कहता है कि आई विद देम मैं उनके साथ, सेल ट्रेवल ऑन मैं यात्रा करूंगा, ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, थ्रू मतलब जरिए, ऑल फ्यूचरिटी पूरे भविष्य के जरिए मैं उनसे उनके साथ यात्रा करूंगा, अर्थात पूरे भविष्य में उनके साथ भ्रमण करूंगा। एट तो भी लिविंग हियर अ नेम, मर तो भी लेखक कहता है मरने के बाद, लिविंग हियर अ नेम, इधर एक नाम छोड़ जाऊंगा, छोड़ते हुए आई ट्रस्ट, मुझे ऐसा विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, जो धूल में पेरिश यानी नष्ट नहीं होगा, डस्ट मीन होता धूल। लेखक कह रहा है कि मैं पूरी फ्यूचरिटी अर्थात भविष्य में उनके साथ यात्रा करूंगा, क्योंकि अन्य लोग होंगे भी मुझे भी पढ़ेंगे, जैसे आज मैं उनको पढ़ रहा वो मेरी रचनाओं को भी पढ़ेंगे, और मैं यहाँ एक नाम छोड़ जाऊंगा यानी एक कीर्ति, एक यश छोड़ जाऊंगा, और मुझे विश्वास है ऐसा, आई ट्रस्ट, मैं विश्वास रखता हूँ ऐसा कि दैट विल नॉट पेरिश, और मेरा नाम नष्ट नहीं होगा, इस इन द डस्ट धूल में नहीं मिलेगा, अर्थात मैं भी उन कवियों की तरह अमर रहूंगा। तो इस प्रकार से ये पोयम समाप्त होती है। आशा है आपको ये पोयम बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने अधिक से अधिक वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।